हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियो। तो आज की टॉपिक है पढ़ाई करते वक्त नींद से कैसे बचे। ओके, तो अमूमन ये देखा गया है कि नींद ऐसे आए या ना आए, पर पढ़ाई करते वक्त यह ज़रूरी है कि दस्तक देती है, और ये प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी ताकि आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ, जिससे आपके रिजल्ट अच्छे आए और आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इम्प्रूव होती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 मेथड जिसे फॉलो करके आप अपने नींद को गायब कर सकते हैं। तो अगर आप विदाउट नींद पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप नींद को बाय बाय कह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे नंबर 1 मेथड जो है वो है प्लेशन पोस्चर। ओके, पढ़ाई करते वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना होता है वो है प्लेशन पोस्चर का करेक्ट होना। अगर बेड पर पढ़ाई करने बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद माइंड रिलैक्स फील करने लगती है, जिससे हमें नींद आने लगती है। अगर हम चेयर और टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं तो माइंड अलर्ट रहती है और एक्टिव रहती है, जिसके वजह से नींद नहीं आती है। तो पढ़ते वक्त प्लेश और पोश का करेक्ट होना, इसका ध्यान रखें और सही पोश्चर और सही प्लेस में बैठ कर के पढ़ाई करें, इससे आप अपनी नींद को दूर कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, ये फॉर्मूला लगभग सभी लोगों को पता होगी, बहुत ही कॉमन है कि जब भी पढ़ाई करते वक्त नींद आने लगे तो आप ठंडे पानी या फिर नॉर्मल वाटर को अपने फेस पे और अपने आँखों पे थोड़े ज़ोर ज़ोर से मारें, जिससे होगा ये कि माइंड जो रिलैक्स वाली सिचुएशन में होगी उससे वो एक्टिव हो जाएगी, अलर्ट हो जाएगी, जिससे आपकी नींद गायब हो जाएगी और आपको नींद नहीं आएगी। इसके बाद आप फेस धोने के बाद थोड़ी देर टहल लीजिए, थोड़ी अगर टी कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो पी लें, ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर आप पढ़ाई करें। आई होप कि इससे नींद भी अच्छी तरीके से गायब हो जाती है, दूर हो जाती है। ओके, मेथड नंबर 3, अवॉइड हैवी मील्स। जब भी आप पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने से पहले हैवी फूड खाकर ना बैठें, क्योंकि जब हम हैवी फूड खाते हैं तो उस वक्त माइंड का जो पूरा फोकस होता है वो फूड के डाइजेशन की ओर डाइवर्ट हो जाती है, और बॉडी की ज़्यादातर ब्लड जो होती है सर्कुलेशन वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाती है, जिससे माइंड की एनर्जी लो हो जाती है, जिसके वजह से माइंड लो फील करता है और हमें फिर नींद आने लगती है। तो एक बार में फूड को ना खाएं, हैवी फूड ना लें एक बार, आप उसी फूड को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़्यादा वक्त में लें। ओके, तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। नंबर 4 मेथड, बोल कर पढ़ना। ठीक है, जब हम मन ही मन पढ़ते हैं तो माइंड को कोई भी ऐसा साउंड रिसीव नहीं होता है कि वो अलर्ट रहे, इसलिए नींद जल्दी आती है। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं, आदत होती है पढ़ते हैं, पर बोल बोल कर हल्के साउंड में पढ़ने से माइंड को वाइब्रेशन रिसीव होती है, जिसके वजह से माइंड अलर्ट एंड एक्टिव और बिजी रहता है, जिससे चांसेस कम होते हैं नींद आने के। तो कोशिश करिए हल्के साउंड में बोल बोल कर पढ़ें। 5th एंड द लास्ट मैथड, नैपिंग। ओके, कभी कभी क्या होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है पढ़ते पढ़ते, इतनी ज़्यादा नींद आती है, इतनी गहराइयों में हम लोग नींद में की कंडीशन में चले जाते हैं कि बैठे ही बैठे हम लोग ड्रीमिंग करने लगते हैं, ड्रीम्स आने लगते हैं हमारे माइंड में। तो इस कंडीशन में बेटर होगा कि आप पढ़ने के बजाय थोड़ी देर सो जाए, इससे ये होगा कि माइंड जब रिलैक्स कर लेगी तो वो बहुत ही एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगी पहले के अकॉर्डिंग। तो इससे ये होगा कि आप कई गुना ज़्यादा पढ़ाई बेटर कर पाएंगे पहले के अकॉर्डिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि जब माइंड रिलैक्स करेगी तो
तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एंड फील और एक्टिव महसूस करती है, जिसके वजह से हम पढ़ाई और भी अच्छे से कर पाते हैं। ओके, तो ये तो थे मेरे नींद से कैसे बचे पढ़ाई करते वक्त। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और सारे स्टूडेंट्स, सारे सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपडेटिंग वीडियो के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।